नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। बड़ी खबर इस वक्त एयर इंडिया से निकल कर आ रही है, वीडियो को पूरा देखिए। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार दिल्ली से ह्यूस्टन तक की वंदे भारत मिशन का जो किराया है वो लगभग 1.3 लाख रुपये है, और वहीं ये एक इकोनॉमिक क्लास का किराया है जो कि सामान्य किराए से दोगुना है। इसी तरीके से दिल्ली वैंकूवर की जो टिकट की कीमतें हैं वो 1.7 लाख रुपए। यहाँ पर ईटी ने, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस सामान्य किराए को 50% से अधिक बताया है, यानी एयर इंडिया इस वक्त 50% से अधिक ज्यादा पैसे ले रही है। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ने वंदे भारत को ऐसा गलत करार देते हुए यहाँ पर काफी सारे इल्जाम लगाए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि काफी सारे जो ईंधन के शुल्क है वो भी ज्यादा ले जा रहे हैं, साथ ही जो बुकिंग करने की वेबसाइट है वो भी स्लो चल रही है। इसी प्रकार से जब यह ट्वीट आया तो उसके बाद केंद्रीय उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी का उनको रिप्लाई गया। सोमवार को अपने लेख में इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। नागरिक उड़ान मंत्री पुरी ने अपनी रिपोर्ट में ईटी द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज करते हुए सभी का स्पष्टीकरण दिया। ईटी पर विदेशी एयरलाइनों के लिए एक मुख्य पत्र बनने आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री पुरी ने ईटी से पूछा कि ये कौन लोग हैं जो वंदे भारत मिशन के साथ तंग है, वहीं क्या वे लगभग 70,000 लोग हैं जो भारत लौट आए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने उनकी भ्रामक रिपोर्ट के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स से सवाल किया है। साथ में हरदीप सिंह पुरी ने वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानों की कीमतों का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत टिकटों के लिए शुल्क विदेशी एयरलाइंस द्वारा दी जाने वाली चार्टर प्रत्यावर्तन उड़ानों की तुलना में कम है। वहीं वंदे भारत मिशन खाड़ी मार्गों पर प्रति यात्री करीब करीब 13,000 का शुल्क लेता है और विमान एक पैर खाली उड़ान भरता है, ऐसा उन्होंने कहा कि एक तरफ से खाली फ्लाइटें जाती हैं। पुरी ने ट्विटर पर कहा है कि पब्लिक डोमेन में जानकारी के अनुसार चार्टर्ड इसके लिए सेम वही 20,000 रुपये का चार्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ह्यूस्टन जाने वाली फ्लाइट का किराया संबंधित जो एम्बेसी है वहां पर 3 लाख था, जबकि हमारे नागरिक उड़ान वंदे भारत मिशन के तहत इसको करीब करीब 1.3 लाख रुपए का भुगतान करते हुए लाया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर बातें चल रही हैं, एयर इंडिया के वंदे भारत को लेकर जो अब सवाल है वो खड़े होने लगे हैं। आप क्या सोचते हैं वंदे भारत मिशन के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ में हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया कि जैसे जैसे विदेश अपने अपने रिस्ट्रिक्शन हटाएंगे वैसे वैसे यहां से भारत से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जाएंगी विदेशों के लिए। इसी के साथ विमान मंत्री ने कहा कि एयर इंडिया किसी भी टिकटों पर ओवरचार्ज नहीं कर रही है, राष्ट्रीय वाहक वर्तमान वाणिज्य किराए की तुलना में बहुत कम शुल्क ले रहा है, ऐसी बातें कही गई है। आप क्या सोचते हैं वंदे भारत मिशन के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आपका भी अगर कोई सवाल है तो आप ट्विटर पर जाके हरदीप सिंह पुरी को टैग करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक, मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।